दिल्ली में सियासी उठापटक तेज है, ऐसे में हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष हैं MS धीर साहब। धीर साहब, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। मैं अक्षय आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सर, बात करते हैं जो दिल्ली की सियासी उठापटक चल रही है इन दिनों में, जो देखने के लिए मिल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, आपको मालूम है कि 14 फरवरी को सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर प्रेजिडेंट रूल लागू कर दिया है। तो अभी तक 4.5 महीने हो गए हैं, तो कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी कोई सरकार नहीं बना पाई। तो कुछ कोशिशें जारी रही हैं, चलती रही हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। दिल्ली के 5वीं विधानसभा के 7वीं अध्यक्ष के रूप में आपका कार्यकाल का जो अनुभव रहा, वो अनुभव कैसा रहा आपका? मैं एक सरकारी अफसर रिटायर हुआ हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी, और एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि मैं शुरू से ही राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट लेता था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो दयाल सिंह कॉलेज में भी मैं सेक्रेटरी रहा, और स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मैं कई दफ़ा अपने STC ऑफ एम्प्लॉइज यूनियन का प्रेजिडेंट रहा, विभिन्न पदों पर मैंने कार्य किया, तो मेरा एक इंटरेस्ट बना हुआ था। तो मैंने 10 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ली 2002 में, तो उसके बाद मैं सक्रिय राजनीति में आ गया, और 2013 में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर मैंने काम करना शुरू किया, और भगवान की दया से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को टिकट मिला और हम जीते। और मेरा ख्याल आज तक हुआ या नहीं हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं पहली एक नई पार्टी का पहली दफ़ा सीधा MLA बनने के बाद स्पीकर बन गया, ये बड़ा गौरवान्वित बात है मेरे लिए। काफ़ी बड़ी बात है सर, जैसे सर ने बताया कि पहली बार विधायक बने और उसके तुरंत बाद ही विधानसभा अध्यक्ष बन गए। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। सर, जो दिल्ली में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला इन दिनों काफ़ी सुनाई दे रहा है, कहीं तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सरकार बनाने के लिए अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, और कई खबरें ऐसी मीडिया में आ रही हैं, दिन ब दिन सुनने के लिए मिलता है कि सरकार बनाने की कोशिशें जारी हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो सर, इस मामले में आप क्या कहेंगे? एक विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते जो विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला चल रहा है, उसमें आपका क्या मानना है? देखो जी, ये काम तो पॉलिटिकल पार्टियों का, सरकार बनाना, तो हो सकता है वो कोशिशें करती रही हूँ। मैंने भी मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और आपके माध्यम से ये सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। अगर कोई ऐसी बात होती या किसी ने कोई ऐसी की बात की होती, तो वो इन्वाइट किया जाता LG साहब के द्वारा, तो इसका मतलब ऐसी कोई बात हुई नहीं या इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। आपके नज़रिए से क्या अभी दिल्ली में चुनाव होंगे? एक मैं आपका अपना पर्सनल ओपिनियन ले रहा हूँ, आपके नज़रिए से दिल्ली में अभी चुनाव होंगे या सरकार इसी विधानसभा में बन पाएगी? आपको आपका अनुभव क्या कहता है इस मामले में? जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय जो सस्पेंडेड एनिमेशन में चल रहा है, सदन सारा चल रहा है, तो इसके बारे में जो मैं हूँ एज ए स्पीकर LG की तरफ साहब की देखता हूँ, की ओर देखता हूँ, LG साहब प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की ओर देखते हैं, जैसा आप आगे से निर्देश होता है वो किसको इनवाइट करते हैं या नहीं करते, तो ये सारा जो दारोमदार है वो ऊपर के लेवल का है, वही डिसाइड करेंगे। तो आपको इस मामले में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो सारी जानकारी LG सर के पास है। बाकी सर, 2 बार राष्ट्रपति पदक से नवाजे जा चुके हैं धीर साहब के बारे में बताना चाहूँगा, और समाज सेवा में धीर साहब का अनुभव काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। सर, उस अनुभव को आप हमारे दर्शकों से शेयर करेंगे, जो समाज सेवा में आपका काफ़ी नाम आता है, 2 आपको राष्ट्रपति पदक भी मिले हुए हैं, तो सर वो किस ढंग का काम आपका था? तो कुछ मैं शुरू से ही समाज सेवा के साथ जुड़ा रहा हूँ, और 1969 में मैंने दिल्ली सिविल डिफेंस ज्वाइन की थी, तो एक ऑर्डिनरी मेंबर से मैंने ज्वाइन की थी, जो चीफ वार्डन तक मैंने काम किया दिल्ली सिविल डिफेंस में। तो 2002 में मेरी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद दफा अपने ऑफिस से, तो मैंने और सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू कर दिया दिल्ली सिविल डिफेंस में। 2005 में मेरे को प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड मिला, 2010 में मेरे को प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड मिला। ये सारा जो मेरी मेरिट्स थी, सेवाएँ थी, उनको देखते हुए भारत सरकार ने ये मेरे को 2 अवार्ड दिए हैं, जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बड़े गर्व की बात है। रेड क्रॉस सोसाइटी से भी सर आप जुड़े हुए हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी का अनुभव आपका कैसा रहा?
रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा। मैंने सिविल डिफेंस में होते हुए इनके साथ कार्य किया, मैंने 3 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, काफ़ी लोगों ने उसमें रक्तदान किया, और उसके एवज में जब भी हमारे इलाके के किसी सिटीजन को, नागरिक को या हमारे वॉलंटियर को कोई ब्लड की ज़रूरत होती थी, उसको या उसके रिश्तेदार को, जब भी मैं रेड क्रॉस वालों को लिखता था, वो उसके एवज में बगैर कोई पैसा लिए हुए उनको ब्लड दे देते थे। इससे हमारी एक सेवा उनके प्रति चलती रहती थी। राजनीति, विधानसभा अध्यक्ष और समाज सेवा और रेड क्रॉस सोसाइटी के बाद जो समय बचता है, काफ़ी कम समय बचता होगा, वो समय आप कैसे बिताना पसंद करते हैं? आपकी बात ठीक है कि जब सक्रिय राजनीति में इंसान आ जाता है, और मैं सुबह जैसे उठता हूँ 6-7 बजे उठकर, उसके बाद जो पब्लिक की समस्याएं होती हैं उनको देखता हूँ, और हमारे कैंप ऑफिस है उसमें जाकर काफ़ी लोग सुबह सुबह आ जाते हैं, वहाँ पर उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं, उसके बाद विधानसभा इधर आ जाते हैं, कार्य करते हैं, यहाँ भी जो लोगों की समस्याएँ होती हैं वो देखते हैं, और सारा दिन ऐसे निकल जाता है। तकरीबन घर के लिए तो बहुत कम समय मिलता है, इसके लिए जो मेरे घर वाले, जो मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, मेरी पोती है, मेरी बहू है, वो भी मेरे को इस कार्य में पूरा साथ देते हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इस राजनीति में आने के बाद उनको भी मेरे से कम समय मिलता है, कम बात करने का समय मिलता है। थे मनिंदर सिंह धीर जी, विधानसभा अध्यक्ष, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम धीर साहब का कि उन्होंने अपने बेशकीमती समय से हमें कुछ समय दिया। और नेक्स्ट 9 न्यूज़ के दर्शकों के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।